यस, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम इन सूरज ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है सभी स्टूडेंट्स का, बिकॉज सूरज इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ योर चिल्ड्रन। आपके बच्चों के लिए सूरज सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां बच्चों के डेवलपमेंट के सभी अपॉर्चुनिटीज एक स्टूडेंट को मिलते हैं, बिकॉज आवर स्कूल मेन मोटो इज़ टू डू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर इस संस्था में स्कूल में ध्यान दिया जाता है, वो चाहे विकास शारीरिक हो, मानसिक हो या स्पिरिचुअल हो या प्ले ग्राउंड के अंदर हो, सभी प्रकार के डेवलपमेंट के ऊपर इस संस्था के अंदर काम किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग ए न्यू टॉपिक। आवर टॉपिक, आवर सब्जेक्ट इज सोशल साइंस एंड आवर टॉपिक इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म। एंड क्लास की बात करें तो क्लास 6, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बुद्धिज्म का जो प्रादुर्भाव हुआ था, उसका जो बॉर्न जन्म हुआ था, उसके अंदर बात करते हैं। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इन दोनों ही रिलीजन का मुख्य रूप से जन्म हुआ सिक्स सेंचुरी के अंदर, जिस समय भारत, जिस प्रकार वर्तमान समय के अंदर राज्यों के रूप में जाना जाता है, दैट टाइम इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू महाजनपदाज, यानी उस समय भारत महाजनपदों में बटा हुआ था। मुख्य रूप से उस समय 16 महाजनपद थे, उसमें 16 महाजनपद उसमें काफ़ी प्रचलित थे। और ऐसी स्थिति में जो हिंदुज़म था, हिंदू धर्म था, उसके अंदर काफ़ी मात्रा में रूढ़िवादिता या जातिवादिता या धार्मिक कर्मकांड उत्पन्न हो गए। तो ऐसी स्थिति में एक कॉमन मैन के लिए धार्मिक क्रियाकलापों में टेक पार्ट करना, अर्थात भाग लेना या धार्मिक क्रियाएं कलाएं संपन्न करना, आई थिंक इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ए कॉमन मैन। ऐसी सिचुएशन में जो लोग थे, कॉमन पीपल थे, दे वर सर्चिंग ए न्यू रिलीजन, और उसी प्रकार उनके सामने दो नए धर्मों का जन्म हुआ, एक था बुद्धिज्म और दूसरा था जैनिज्म। एंड टुडे आवर टॉपिक इज बुद्धिज्म। इसमें हमारा जो टॉपिक आज बुद्धिज्म है, हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। तो क्लास बात करें सिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें गौतम बुद्धा वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म की अगर स्थापना करने का श्रेय जाता है तो गौतम बुद्धा को जाता है। अब गौतम बुद्ध का अर्ली जो नेम था सिद्धार्थ था, अर्ली नेम सिद्धार्थ था, लेकिन जब उनको स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त हो जाती है, व्हेन दे गॉट स्पिरिचुअल नॉलेज, आफ्टर दैट उसके बाद वे जाने गए गौतम बुद्धा के नाम से वे जाने गए। और इन्हीं के द्वारा ही बौद्ध धर्म अर्थात बुद्धिज्म की स्थापना की गई। अगर इनके जन्म की बात करें, लुम्बिनी एक स्थान है, जगह का नाम है लुम्बिनी, ये कपिल वस्तु के नज़दीक एक जगह है। प्रेजेंटली दिस प्लेस बिलोंग टू नेपाल। अगर वर्तमान के समय के अंदर बात करें तो ये सारे के सारे स्थान अर्थात ये लुम्बिनी जो स्थान है आज प्रेजेंटली नेपाल के अंदर है। नेक्स्ट ही वाज क्षत्रिय, वो अगर देखें तो वो क्षत्रिय थे एंड बिलोंग्ड टू द साक्य क्लेन, और वो साक्य वंश से संबंध रखते थे। हिज फादर वाज सुदोधना, उनके जो पिता थे उनके पिता का नाम सुदोधना था, द चीफ ऑफ द साक्य क्लेन, जो कि साक्य वंश के चीफ थे। एंड हीज मदर वाज क्वीन माया, और उनकी माता की बात करें तो उनकी माता जो एक रानी माया के नाम से उनको जाना जाता था। अर्ली लाइफ की बात करें तो इनके जीवन से एक छोटी सी घटना जुड़ी हुई है। जब इनका जन्म हुआ तो बहुत बड़ी एक सेरेमनी आयोजित की गई थी, तभी वहाँ पर एक साधु आता है और वो साधु कहता है कि राजन, आपका बेटा या तो कोई बहुत बड़ा महात्मा बनेगा, और अगर बहुत बड़ा महात्मा नहीं बना तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, शासक बनेगा। तो इससे जो राजा थे बड़े चिंतित हो गए, और इस कारण क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चों को साधु वगैरह नहीं बनाना चाहता है, तो इस बात से बड़े चिंतित हो गए। इस कारण उन्होंने अर्ली लाइफ में ही उनकी शादी कर दी थी, ताकि वो जीवन की घरग्रस्थी में अड़ जाएँ और उस तरफ दूसरी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जा सकें। एंड इसी कंडीशन में ही वॉज मैरिड एट ए यंग एज टू प्रिंसेस यशोधरा, अर्थात जल्दी ही एज में उनकी जो राजकुमारी प्रिंसेस यशोधरा थी उससे उनकी शादी हो जाती है। ही हैड ए सन, उनका एक बेटा होता है नेम्ड राहुल, जिनका नाम राहुल होता है। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड टू लाइफ, इन सभी लग्जरीज लाइफ होने के बाद में, इतनी सारी कंफर्टेबल चीज होने के बावजूद भी ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ, वो अपने जीवन से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि उन्हें उसका जो मन था इन भौतिकवादी चीज़ों में नहीं अलसता था। आई थिंक ही वॉज ए स्पिरिचुअल पर्सन, वो एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक व्यक्ति थे। ही लेफ्ट हिज पैलेस एट द एज ऑफ 29 ईयर्स, या लगभग 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया टू सर्च फॉर नॉलेज एंड ट्रू मीनिंग ऑफ द लाइफ, अर्थात जीवन को अर्थ क्या है,
सही मायनों में जीवन के अर्थ को समझने के लिए, लाइफ को समझने के लिए उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया एट द एज ऑफ 29 ईयर्स के अंदर। ही वांडर्ड फॉर अबाउट 6 ईयर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वह 6 वर्षों तक काफ़ी इधर उधर घूमते रहे। मेट मैनी थिंकर्स एंड मैनी सेजेस एंड ही लर्न्ड हाउ टू मेडिटेट। वह काफ़ी वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा सही ज्ञान की तलाश में, सही नॉलेज की तलाश में, लेकिन अंत में उसको सही ज्ञान सही नॉलेज की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अंत में ही रीच बोधगया इन बिहार। अंत में वो बोधगया बिहार के अंदर पहुंचा और वहां पर पहुंचने के बाद में ही सेट अंडर ए पीपल ट्री और वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और काफ़ी दिनों तक उसने लगातार मेडिटेशन का काम किया, यानी एक लंबे समय तक उसने मेडिटेट किया। और उसके इस लंबे मेडिटेशन की वजह से, उस लंबे ध्यान की वजह से ही गॉट द ट्रू नॉलेज, उसे सही ज्ञान सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई और ही वॉज नॉन और उसके बाद वो कहलाया एज बुद्धा। उसको बुद्धा कहा गया, द वाइज वन कहा गया और इनलाइटेंड वन कहा गया। अर्थात उसको ट्रू ज्ञान मिलने के बाद में, सही ज्ञान मिलने के बाद में उसको बुद्धा द वाइज वन और इनलाइटेंड वन कहा गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करें द ट्री, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था, द ट्री वॉज नॉन एज द बोधि ट्री, जिस पेड़ के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अर्थात वो पेड़ कौन सा था? पीपल का। पीपल के पेड़ को बोधि ट्री कहा गया और द ट्री ऑफ विजडम और उसको बोधिस्तव पेड़ या ज्ञान रूपी वृक्ष भी कहा गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फ्रॉम बोध गया गौतम बुद्ध ट्रेवल्ड टू सारनाथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वह सारनाथ जाता है। ही गेव हिज फर्स्ट पब्लिक सरमन, पब्लिक सरमन सरमन होता धार्मिक उपदेश सारनाथ। गौतम बुद्ध अपना ज्ञान प्राप्त होने के बाद में पहला जो धार्मिक उपदेश देता है वो सारनाथ में देता है। सारनाथ इज ए पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी उत्तर प्रदेश का ही भाग है। ही प्रीच्ड पीपल इन ए लैंग्वेज कॉल्ड पाली। वह लोगों को पाली भाषा जो कि कॉमन भाषा थी, कॉमन लैंग्वेज थी, जिसको सभी व्यक्ति समझते थे, उसके अंदर उपदेश देता है। और पाली इज ए फॉर्म ऑफ प्राकृत, जो पाली है वो एक पाली जो है एक प्राकृत भाषा का ही एक भाग है। और अंत के अंदर ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 18 ईयर्स एज, अर्थात 80 वर्ष की उम्र में उनकी डेथ हो जाती है कुशीनगर इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। अर्थात कुशीनगर एक जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर उनकी मृत्यु डेथ हो जाती है। यस, तो अब आगे चलते हैं। द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, आप यू नो दैट बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय बुद्धा, ये बुद्ध भगवान बुद्ध के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और द पीपल हु फॉलो द बुद्धिज्म या दिस इस रिलीजन को फॉलो करते हैं उन्हें बुद्धिस्ट कहते हैं। ऐसे लोग जो इस धर्म को मानते हैं उनको बुद्धिस्ट कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टीचिंग ऑफ द बुद्धिज्म में 4 नोबल ट्रुथ्स की बात करते हैं, अर्थात 4 सत्य जो हमारा गौतम बुद्ध ने बताया उनकी बात करते हैं। फर्स्ट, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। संसार वास्तविक रूप से गौतम बुद्ध के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुद्धा, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद द व्यूज ऑफ बुद्धा। एक्चुअली में बुद्धा जी सही कह रहे हैं कि संसार दुखों का घर है, यहाँ प्रत्येक प्राणी मैं समझता हूँ दुख कष्ट भोगने के लिए ही आता है। प्रत्येक क्षण व्यक्ति हमेशा खुश नहीं रह सकता, 2 आवर्स के बाद ही एक नई प्रॉब्लम नई समस्या उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। ऑल सफरिंग इज कॉज्ड बाय आवर डिजायर्स, अकॉर्डिंग टू बुद्धा ये जो इच्छाएं होती हैं इनके कारण व्यक्ति को दुख होता है। देखा जाए तो सत्य बात है, क्योंकि हमारी इच्छाएं जो होती हैं वो अनंत होती हैं। एक चीज़ की संतोष, एक चीज़ की प्राप्ति होने के बाद में एक अन्य डिजायर्स हमारे मन में उत्पन्न हो जाती हैं और इस प्रकार हमें निरंतर दुख की प्राप्ति होती रहती है। टू एंड सफरिंग इन को इस दुख का निवारण करने के लिए वन मस्ट ओवरकम और गेट रीड ऑफ डिजायर्स, अर्थात हमें इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। अगर आप इच्छाओं का त्याग कर देंगे तो आपके मन में दुख भी नहीं होगा। लास्ट, टू एंड सफरिंग इज टू फॉलो द एट फोल्ड पाथ। गौतम बुद्धा ने इन दुखों से बाहर निकलने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। इस अष्टांगिक मार्ग के अंदर कौन कौन सी बातें बताई हैं इनके बारे में आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज़ अगर आपको एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप बार बार देखें, टॉपिक बुक के अनुसार भी पढ़ के देखें और नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को अगेन देखें। एंड ओके एंड थैंक यू।